हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ कि एडम पे आलोक एक्टिव कैरेक्टर कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर पे जाना है, और कैरेक्टर पे जाने के बाद आप लोग को एडम को लेना है, और एडम को लेने के बाद आपको बैक लॉबी में आना है। अब लॉबी में आने के बाद आपका टीम फॉर्मेशन चेंज करना है, सोलो से स्क्वाड पे लाना है, और स्क्वाड पे लाने के बाद आपको फिर से कैरेक्टर पे आना है, और कैरेक्टर पे आने के बाद कोई भी एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर लेना है आप लोग को। यहाँ पे डीजे आलोक ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आलोक लेने के बाद वहाँ पे कैरेक्टर स्लॉट में कैरेक्टर स्किल आपको चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद आप बैक आ जाइए और गेम को स्टार्ट करिए। गेम स्टार्ट हो चुका है, और देखो भाई मैं लॉबी पे आया हूँ, और मेरा कैरेक्टर है एडम, और उस पर कैरेक्टर देखो, स्किल देखो, उसमें है डीजे आलोक। तो ऐसा वाला कैरेक्टर हमारा बैल 99 भाई बहुत यूज़ करते हैं एडम पे स्किल डाल के, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो मेरे भाई। तो जैसे जैसे इसमें सिर्फ एक्टिव कैरेक्टर नहीं होता भाई, सबके सब स्किल डालता है भाई, चारों के चारों स्किल डालना मिलता है इस पर। तो अब भी ऐसा कर सकते हो मेरे भाई, कुछ अब आलोक डाल सकते हो, स्काइलर डाल सकते हो, क्रोनो डाल सकते हो, अब सब काम कर सकते हो भाई। तो इस तरह से आप एडम पे एक्टिव कैरेक्टर और स्किल डाल सकते हो मेरे भाई। तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सपोर्ट करते रहे मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll be right back.